हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूँ राज यादव और एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है स्मार्ट सिटी अपडेट यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, बहुत ही अच्छी अपडेट है आप सभी के लिए। महिला एवं बाल विकास विभाग में जो है एक बार फिर से महिला सुपरवाइज़र की भर्ती होने वाली है और ये जो खबर है महिलाओं के लिए यानी कि लेडीज़ के लिए बहुत ही अच्छी खबर है, बहुत ही गुड न्यूज़ है, क्योंकि जो महिला पर्यवेक्षक की भर्ती है वो फिर से हो सकती है। इससे पहले भी 2021 में इसकी नोटिफिकेशन जारी की गई थी और जो है इसकी भर्ती ली गई थी। महिला सुपरवाइज़र की भर्ती फिर से होने की पूरी पूरी संभावना है। पूरी डिटेल इस वीडियो में देखने वाले हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं या चैनल पर पहली बार आए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर आपके काम के वीडियो रेगुलर बेसिस पर अपलोड किए जाते रहते हैं। चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं पेपर में जो खबर छपी है, उसके बाद आगे बात करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि महिला एवं बाल विकास में कार्यपालिक तृतीय श्रेणी की भर्ती के रास्ते खुले, बना नया नियम। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि राजपत्र में जो है अधिसूचना जारी की गई है। अभी मैं आपको राजपत्र भी दिखाऊंगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि छत्तीसगढ़ में महिला एवं बाल विकास विभाग में सैकड़ों पदों के लिए भर्ती की राह आसान हो गई है और तृतीय श्रेणी की सेवा भर्ती नियम 2023 बना लिया गया है। इसमें इस संबंध में राजपत्र में अधिसूचना भी जारी कर दी गई है। यहाँ पर इस नियम में यही बताया गया है कि कुल जो रिक्त पद होंगे उनमें 50% पदों पर जो है खुली सीधी भर्ती होगी और 50% पर जो है परिसीमित सीधी भर्ती होगी, जैसा कि पिछले बार लिया गया था। ठीक है, पिछले बार 200 पदों पर जो है विज्ञापन जारी किया गया था, जिसमें से 100 पद परिसीमित भर्ती के लिए था, यानी कि जो पहले से ही आंगनबाड़ी में कार्यरत महिलाएं हैं उनके लिए, और 100 पद जो हैं खुली सीधी भर्ती थी, जिसमें फ्रेश कैंडिडेट अप्लाई कर सकते थे। और उसी तरह से इसमें भी जो है फिर से भर्ती होगी 50-50% नियम के अनुसार। ठीक है, यहाँ पर और भी जो जानकारियाँ दी गई हैं वो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इन नियमों के अनुसार शर्तों को पूरा करने वाली आंगनबाड़ी कार्यकर्ता खुली सीधी भर्ती की प्रतियोगी परीक्षा में भाग ले सकते हैं, यानी जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता होंगे वो परिसीमित सीधी भर्ती में लेंगे और जो फ्रेश कैंडिडेट होंगे वो खुली सीधी भर्ती में लेंगे। ठीक है, इस प्रकार जो है, लेकिन परिसीमित सीधी भर्ती में केवल आंगनबाड़ी कार्यकर्ता जो इन नियमों के नियम 8(2) की पात्रता की शर्तों को पूरा करते हैं वो हिस्सा ले सकते हैं। तो जो पहले से कार्यरत हैं वही हिस्सा लेंगे परिसीमित भर्ती में। ठीक है, इसके लिए जो है अलग अलग मेरिट सूची जारी की जाती है, एग्ज़ाम लिया जाता है। उसके बाद इसका एग्ज़ाम जो है व्यापम के द्वारा लिया गया था, सीजी व्यापम के द्वारा इसका एग्ज़ाम लिया गया था और फिर से संभावना है कि व्यापम के द्वारा इसका एग्ज़ाम लिया जाएगा। फिलहाल आगे आने वाले समय में ये देखने वाली बात होगी कि कौन सी संस्था इसके लिए परीक्षा लेती है। तो इसके लिए आप देख सकते हैं यहाँ छत्तीसगढ़ राजपत्र भी प्रकाशित कर दिया गया है और जो है अधिसूचना इसके लिए जारी कर दी गई है। ठीक है, संक्षिप्त नाम यहाँ पर आप देख सकते हैं, महिला एवं बाल विकास विभाग में कार्यपालिक तृतीय श्रेणी अराजपत्रित, ये जो है इस प्रकार से ये पद रहेगा। इसके लिए योग्यता की बात करें तो योग्यता भी यहाँ पर दर्शा दिया गया है। जिस प्रकार से पूर्व में जो वैकेंसी आई थी तो जो योग्यता रखी गई थी वही योग्यता इसमें भी रहेगी। खुली सीधी भर्ती की आप देख सकते हैं कि न्यूनतम 21 वर्ष रहेगी, अधिकतम 35 वर्ष, और इसकी जो क्वालिफिकेशन रहेगा किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक आपको होना चाहिए। ठीक है, स्नातक की उपाधि आपके पास होना चाहिए। साथ ही जो परिसीमित सीधी भर्ती है जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए सीमित रहेगी, उसकी न्यूनतम आयु 25 वर्ष और अधिकतम 45 वर्ष रहेगी। इसके लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन रहेंगे, पिछली बार की तरह ही 10+2 यानी 12th उत्तीर्ण होना चाहिए। साथ ही आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के पद पर 5 वर्ष तक सेवा का अनुभव उनके पास होना चाहिए और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के पद पर कार्यरत होना चाहिए, यानी जो पद पर कार्यरत हैं वही परिसीमित सीधी भर्ती के अंतर्गत अप्लाई कर पाएंगे। तो इस प्रकार से इसकी योग्यता थी और आगे आने वाले समय में और भी इसके बारे में बात करेंगे, जो इसके सिलेबस क्या रहने वाली है या कितने पदों पर वैकेंसीज आ सकती है। पिछली बार जो है 200 पदों पर आई थी, इस बार भी लगभग 200 पदों पर जो है भर्ती आने की संभावना है। आज का ये वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक अवश्य कर दीजिएगा, अपने सभी दोस्तों तक शेयर जरूर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आगे इस तरह के वीडियो आपको मिल सके। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।